स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 2B। अब यहाँ पे 2B वाले में देखो, तीन तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले टाइप का तो वो क्वेश्चन सिंपल मिलेगा कि प्रिंसिपल दिया होगा, ठीक है, रेट परसेंट दिया होगा और टाइम दिया होगा, ठीक है। और टी को ही एन लेते हैं नंबर ऑफ इयर्स के हिसाब से, जितना टाइम रहता है उतना ही नंबर ऑफ इयर्स हो जाते हैं। तो पहले वाले कैटेगरी में क्या होता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1+R/100 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर एन, यानी जितने टाइम फॉल करता है इंटरेस्ट तो एन लगा देते हैं। अब ये पर एनम रहता है और ये भी एन ईयर्स रहता है, ठीक है, टाइम भी ईयर्स में दिया रहता है। दूसरा टाइप वो होता है जिसमें कि प्रिंसिपल तो रहेगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम भी दिया रहेगा। अब यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर देगा, है ना। तो अगर वन ईयर है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया, वन ईयर है तो यानी कि 2.5 ईयर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर यहाँ पे 1.5 ईयर है, ठीक, टाइम, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है यानी 3 टाइम्स इंटरेस्ट फॉल करेगा 6-6 महीने पे, तो कितना हो जाएगा, 3, एन जो है 3 हो जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है ना, हाफ ईयरली अगर करना है तो R/2 कर लेंगे। और फॉर्मूला वही रहेगा, P 1+R/100 टू द पावर एन। बस यही है कि एन चेंज हो जाएगा टाइम के हिसाब से ऑफ हाफ ईयरली होने की वजह से, ठीक है। और प्रिंसिपल वही रहेगा और आर जो है इस बार हाफ ईयरली के लिए R/2 कर लेंगे अगर पर एनम दिया होगा। हाफ ईयरली ऑलरेडी दिया है तो उतना ही रख देंगे। फिर एक तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, जब ना आपको 2-3 साल हैं अगर, तो R1 दिया होगा, R2 दिया होगा और R3 दिया होगा, यानी सक्सेसिव ईयर्स के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए होंगे। ऐसे कंडीशन में अमाउंट इज इक्वल टू P 1+R1/100 1+R2/100 और फिर 1+R3/100 होता है, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस। तो जो भी थोड़ी बड़ी दिक्कत होगी वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने पे ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल है 625, आर इज़क्वल टू 4% पर एनम और टाइम इज़क्वल टू 2 ईयर, यानी एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला हमने देखा P 1+R/100 टू द पावर एन, 625 1+4/100 टू द पावर 2, 625। अब यहाँ पे 100 LCM हो जाएगा, 100 × 100 +4 का स्क्वायर, यानी कि 625 और 100 4/100 का स्क्वायर। ओपन करके भी कर सकते हो या अभी भी, 421 × 425 यानी कि 625 और 21/25 का होल स्क्वायर, तो यानी 25 × 21 / 25 × 25 अच्छा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, डायरेक्टली 625 कट हो गया। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 × 26 करेंगे हम तो 576 होता है, 24 का 25 का 625, 26 का 676, तो ये आ गया आपके पास अमाउंट। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट यानी कि 676 माइनस प्रिंसिपल यानी 625 यानी कि 51 रुपीज़। पहले ही क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
टू, प्रिंसिपल है 8000, रेट 15% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 by 1 plus r by 100 टू द पावर n। यहाँ पे n कितना है, 3 है, तो यानी कि 8000 1 plus 15 upon 100 अ पावर कितना होगा, 3 इज इक्वल टू 8000 LCM लेंगे 100 तो हो जाएगा 100 plus 15 power 3, तो 8000 115 upon 100 power 3। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अब 5 20 जा, ठीक है। इस बार 8000 और 23/20 का होल क्यूब, तो 8000 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 थ्री टाइम्स अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू 20, 1 0 2 0 3 0, तो ये तीनों जीरो कट हो गए, 2 1 0 2 4 0 2 1 0 2 2 0 और 2 1 0 2 1 0, यानी कि 23 का जो क्यूब आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर 529, और क्यूब करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 12167। अब यहाँ पे अमाउंट आ गया मेरे पास, तो सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 12167 माइनस 8000 कितना आ जाएगा, 4167। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो जाए अगर इतने में तो, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 1010% 3 ईयर, सिंपल है, प्रिंसिपल 1000, रेट 10% और टाइम 3 ईयर, तो n की वैल्यू भी 3 है यहाँ पे। a इज इक्वल टू p 1 plus r by 100 टू द पावर n, कितना आ जाएगा, 1000 1 plus r by 100 टू द पावर 3, 1000 और ये LCM लेंगे 100 1 जा 100 प्लस 10 अपॉन में 100 का क्यूब, तो आया ये 1000 110 अपॉन में 100 का क्यूब, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यानी 1000 11 into 11 into 11 अपॉन में 10 into 10 into 10। अब देखो 10 3 टाइम्स है, तो 1000 से 1000 कैंसिल, और 11 का क्यूब 1331, तो अमाउंट आ गया, तो सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 1331 माइनस 1000 कितना आ जाएगा, 331। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में है 8000 है, 10% ऑलरेडी बोल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, और टाइम देखो 1 whole 1/2 year दिया हुआ है, ठीक है। तो 10% है और लगेगा कैसा, हाफ ईयरली लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4th। अब इसमें देखो 8000 प्रिंसिपल हो गया, अब r कितना हो जाएगा, 10% पर एनम और 5% हाफ ईयरली, टाइम कितना है, 1 whole 1/2 year,
तो 6-6 महीने पे लगेगा ना, तो n इज इक्वल टू, हाफ ईयरली लग रहा है तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर, 3 बार आधे आधे साल पे लगेगा, तो 3 हो जाएगा n। बस इसी को कन्वर्ट करना है, और इसको अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं सेम फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू p 1 + r/100 टू द पावर n, यानी कि 8000 1 + r यानी 5/100 टू द पावर n की जगह पे 3 लेंगे इज इक्वल टू 8000 ही रहेगा, और ये LCM लेने के बाद 100 + 5/100 होगा, इसका क्यूब करना है हमको, तो 8000 105/100 का क्यूब, तो 521 सा अंदर ही कट कर लेना है, 520 सा, यानी कि आया मेरा 8000 और 21/20 का होल क्यूब, तो 8000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 3 0, तो 8 और 3 0, अब 21 का क्यूब इससे पहले किया है 9 2 6 1 आता है, कुछ तो करते करते याद भी हो जाएगा, तो सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 9 2 6 1 - 8000 कितना आ जाएगा, 1261 1261 आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 700 प्रिंसिपल है, 20% हाफ ईयरली लगाना है, और 1 होल 1/2 ईयर्स है, सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रिंसिपल है 700, आर है 20% पर एनम, तो वो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10% हाफ ईयरली, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 होल 1/2 ईयर, तो हाफ ईयरली लगाना है, तो n इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर, 3 बार 6-6 महीने पे इंटरेस्ट फॉल करेगा। फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, a इज इक्वल टू p 1 + r/100 टू द पावर n, यानी कि p 1 + r यानी कि 10/100 टू द पावर 3, 700 और 100 प्लस 10 LCM लेके आएगा अपॉन में 100, तो 700 और ये 110 अपॉन में 100 का क्यूब, 0 से 0 कितना आ गया, 700 और ये 11/10 का क्यूब, तो 700 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन में 1000, तो 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे 2 ज़ीरोज़ से, ये कितना आता है 11 का क्यूब 1331 इंटू 7 अपॉन में 10, बस 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7 + 7 7 3 21 7 9 3 1 7 अपॉन में 10 कितना आ जाएगा 931.7 या 70, ये आ गया तुम्हारे पास अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 931.70 माइनस 700 231.70। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, संगीता लेंट 40,962 अमर टू परचेज अ शॉप एट 12.5% पर एनम, संगीता ने इतना दिया पैसा अमर को परचेज करने के लिए शॉप, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय अमर आफ्टर 1 होल 1/2 ईयर्स, 1.5 साल बाद कितना देगा, तो समझ ही सकते हो 3 बार इंटरेस्ट फॉल करेगा, हाफ ईयरली 12.5% है, तो 12.5 का हम क्या कर लेंगे
हाफ कर लेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल का अमाउंट हैवी है और वो कितना है 40,960। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 1 to 5 upon 10 हो गया। तो 5 25 5 2 यानी कि 25/2%। अच्छा तो हाफ ईयरली करना है, तो हाफ इंटू 25/2% हाफ ईयरली हो जाएगा। आधे साल करने के लिए इंटरेस्ट को और आधा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 25/4% हाफ ईयरली आ गया। टाइम का भी देखो क्या है, टाइम इज इक्वल टू 1 whole 1/2 year, तो n इज इक्वल टू 3 half year, कितना आ जाएगा 3 आएगा n। क्यों? क्योंकि 3 बार इंटरेस्ट फॉल करेगा। ये n बताता क्या है, n है ही बस कि कितने बार इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, तो 1.5 साल में 6-6 महीने पे 3 बार फॉल किया। इसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, a इज इक्वल टू p 1 + r/100 टू द पावर n। 40,960 1 + r, r यानी कि 25/4 है, तो 4 नीचे 7 में 100 रहेगा, अब पावर में कितना लगाना है 3। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको LCM लेना होगा, तो 400 है नीचे, तो 400 LCM होगा, तो 400 + 25 का क्यूब यानी कि 4960 425/400 का क्यूब। तो इसको कट करते हैं हम 25 से 17 times में और 25 से 16 times में, ठीक है। तो कितना आया 40,960 17/16 का होल क्यूब। फर्दर 40,960 into 17 into 17 into 17, 289 पता ही है, उसमें 17 का मल्टीप्लाई करते रहना, तब तक 16 into 16 into 16 कर लेते हैं। कटेगा ज़रूर, 96 है लास्ट में, है ना, 96, तो कट करके ही देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 4 ज़ा 10 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा, फिर 4 से 4 1 ज़ा, तो कितना आ जाएगा, कहाँ लिखें कट करके, चलो यही लिख देते हैं, 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 28, 16 16 ज़ा 256, कट कर दिया 16 16 ज़ा 256, और ऊपर में 256 कटा 10 बचा। 17 का क्यूब आपको पता करना होगा कितना होता है, और 17 का क्यूब होता है 289 में 17 का मल्टीप्लाई करने पे 4913 आएगा, तो इसमें बस 0 ऐड कर देंगे, तो ये आपका अमाउंट हो गया। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 49130 - 40960, यानी कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा 8170, ये इंटरेस्ट अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सुधीर लेंड 2000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पेएबल ईयरली, वाइल प्रशांत लेंड 2000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पेएबल हाफ ईयरली, फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सुधीर एंड प्रशांत एट द एंड ऑफ 1 year। अब एक ही पैसा है, बस दोनों ने दो तरीके से दिया है, है ना, एक साल के लिए। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सुधीर और यहाँ पे हमारे हैं प्रशांत। अब इधर भी प्रिंसिपल 2000 है, यहाँ भी प्रिंसिपल 2000 है। अच्छा 10% पेबल हाफ ईयरली है, है ना, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 10% पर एनम है, यहाँ भी r इज इक्वल टू 10% पर एनम है, और 5% हाफ ईयरली हो गया,
आधे साल के लिए 5% देगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर और एन भी होगा 1। यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार इंटरेस्ट फॉल करेगा तो 2.5 ईयर है यहाँ पे। अब यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला, यहाँ भी पी 1+R/100 पे पावर एन लगेगा, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। बस वैल्यूज चेंज रहेंगी, है ना। चलो करते जाओ सब साथ साथ। तो यहाँ पे 2000 1+R/100 टू द पावर 1, यहाँ पे 2000 1+R/100 टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2000 100 बन जा 100 और 10 कितना आता है 110/100, ठीक। और यहाँ पे देखो 100 बन जा 100 + 5 105, इतना छोटा छोटा तो आप समझ ही सकते हो, 105/100 का स्क्वायर। यहाँ 0 से 0 कट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कोई स्क्वायरिंग नहीं है, सिर्फ 1 है ना, तो 1 का पावर 1 ही रहेगा। 11/10, 0 से 0 कैंसिल, ये तो आ ही गया। यहाँ पे लेकिन क्या है, 5 21 बार में और 5 से 20 बार में, यानी 2000 × 21/20 का होल स्क्वायर है। अभी तो यहाँ कितना आया, 2200 आ गया, और यहाँ पे 2000 × 441/20 × 20, 0 0 2 0 2 1 2 10 2 1 2 5। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है तुम्हारा, 5 1 5 5 4 20 0 5 4 20 और 22, 2205 आ रहा है ना, बस 5 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहले सी आई निकालो इसका, तो ए माइनस पी यानी कि 2200 - 2000 यानी कि 200 आ गया, और इधर में सी आई कितना आया, इधर में भी ए माइनस पी यानी कि 2205 - 2000 यानी कि 205। तो बस यहाँ पे डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 205 - 200 यानी कि 5 रुपीज़, और किसका ज़्यादा है, प्रशांत का, 5 रुपये का बस डिफरेंस आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू, ये प्रिंसिपल है, ये कितना अमाउंट बनेगा 2 साल में एट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेट जो ऑफ इंटरेस्ट 4% and 5% पर एनम दिए हैं। अब देखा, कहा था ना हमने कि सक्सेसिव वाला भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 सक्सेसिव वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, पैसा कितना था, 25,000, 25,000, R1 4%, R2 5%, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, सब कुछ करेक्ट है। तो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+R1/100 और 1+R2/100, 2 साल के लिए अलग गया एक एक पावर। 25,000 1+4/100 और 1+5/100 कितना है ये, 25,000 104/100 और ये कितना है 105/100, तो 426 बार में और 425 बार में, 521 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। तो 25,000 × 26/25 × 21/20, अब देखो 25 से 25 कितनी बार में जा रहा है, 1000 टाइम्स में, ये 0 0 को कट कर दिया, और 2 से ये कितनी बार में गया, 50 टाइम्स में, 21 × 5 = 105, 1050 × 26 करना है आपको, तो 1050 × 26 करेंगे हम लोग,
तो कितना आ जाएगा, 26 5 130 30 आ जाएगा है ना, तो कितना आ रहा है 27,300 आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है, बस यही तो निकालना है कितना अमाउंट बनेगा, तो अमाउंट बनेगा 27,300 बस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उमेश सेटअप किया एक स्मॉल फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग 40,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सक्सेसिव ईयर हिज प्रॉफिट वेयर 5, 10 एंड 15%। इफ ईच ईयर द प्रॉफिट वॉज ऑन प्रीवियस ईयर्स कैपिटल कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा है ना, हर साल का बोल रहा है प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर के कैपिटल पे था, पहले साल का कैपिटल फिर प्रॉफिट, तो दोनों मिलके फिर दूसरे साल का फिर तीसरे साल का। तो यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पैसा बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया है, 40,000। R1 इज इक्वल टू 5% था, R2 10% था और R3 15% था, और टाइम कितना है 3 ईयर, तो N भी कितना होगा 3 ईयर। तो N यहाँ पे क्या होगा, बल्कि 3 साल के लिए अलग अलग है तो 3 बार हम लिखेंगे, यानी कि मेरा अमाउंट हो जाएगा P1+R1/100, 1+R2/100 और 1+R3/100, यानी कि 40,000 1+5/100 1+10/100 और फिर 1+15/100। अब LCM लोगे 100 × 100 + 105, तो यानी इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं 40,000 × 105/100, 100 × 100 = 10, 110/100 और फिर 115/100। ठीक है, तो 2 जीरोस और 2 जीरोस 4 जीरोस नीचे कट कर रहे हैं, तो 4 जीरोस ऊपर के मैंने कट कर दिए, फिर 4 1 जा 4 से 25 टाइम्स में मैंने कट कर दिया, फिर 5 5 जा और 5 23 जा, फिर 5 से इसको कट कर देते हैं हम 21 टाइम्स में, यानी मेरे पास बचा है 21 × 110 × 23। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 11 3 जा 33, 22 3 25 253 × 21। 21 कहाँ से, 253 में 0, 2 एक और, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 53130 आ जाएगा, 53,130। तो आपको प्रॉफिट निकालना था ना, तो प्रॉफिट वही CI होगा, प्रॉफिट CI की तरह ही निकलेगा, और वो कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है 53,130 माइनस प्रिंसिपल कितना है 40,000, यानी कि 13,130। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ओ सॉरी 9 हो गया, अब 10। अब पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो इसमें देखो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इश्यूड इन जुलाई 1988 20-year बॉन्ड वर्थ 6.25 करोड़, इतने करोड़ का बॉन्ड था 20 साल का, द इशू प्राइस ऑफ ईच बॉन्ड वॉज 100, इशू प्राइस कितना था 100 रुपये था हर एक बॉन्ड का, एंड इट कैरीज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 11.5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 11.5% पर एनम है और हर आधे साल पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 20 साल का है तो यानी 40 टाइम्स इंटरेस्ट लगेगा। जसबीर ने इन्वेस्ट किया 5,000 इन बॉन्ड्स में, फाइंड द अमाउंट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन 2008, तो 1988 से 2008, हाँ 20 साल बाद कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये गिवन वाला लेके चलना आप पहले से, ठीक है, जो गिवन दिया हुआ है कि इस पे इसका पावर लगेगा तो कितनी वैल्यू आएगी 9.35869, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो करते हैं इसको। हिंट भी है, हिंट से भी आप कर सकते हो, बाकी हम भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है इसका, बच्चे का, सॉरी 5,000 रुपीज़। ये जीरो एक्स्ट्रा जा रहा है। प्रिंसिपल है 5,000 और टाइम कितना है इसका, टाइम है इसका 20 ईयर्स। टाइम इज इक्वल टू 20 ईयर है तो एन इज इक्वल टू 40 हाफ ईयर। 40 बार इंटरेस्ट लगेगा, है ना, 40 बार आधे आधे साल पे। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11.5% पर एनम। तो यानी 11.5 अपॉन में 2% हाफ ईयरली, आधे साल के लिए ये इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा। ओके अब यहाँ पे तुमको गिवन था, गिवन वाला तुमको याद रखना है, उसके बिना काम नहीं मिलेगा। गिवन 1.0575 टू द पावर 40 इज इक्वल टू 9.35869। ये याद रखना होगा हमको, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन आगे कर पाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम कैलकुलेट कहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 टू द पावर एन, और एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा, इतना भयानक पावर वाला पता चलेगा, कई दिन लग जाएंगे बस आपको कैलकुलेट करते करते। तो पी, और वैसे भी ये हो नहीं पाएगा पावर 40, आप सोच के देखो खुद से भी, 40 टाइम्स कैसे करोगे कैलकुलेट। तो प्रिंसिपल कितना है 5,000, 1 + R यानी कि 11.5/2 × 100 और टू द पावर 40, सारा कुछ इसी में समाया हुआ है ना। 5,000 1 + 115 अपॉन में एक और जीरो बढ़ाएंगे, डेसिमल हटाए हैं तो देखो 200 ऑलरेडी है, डेसिमल हटाए तो एक जीरो और लगाए, पावर 40। तो 5,000 1 + 2 से इसको डिवाइड कर लो 115 को, कितना आएगा, नीचे सिर्फ 1,000 रखो, ठीक है, तो 2 से 1,000 टाइम्स में, और 2 से इसको कितनी बार में जाएगा, 2 5 = 10, 2 7 = 14, फिर 2 5 = 10, है ना, इतना ही आ रहा, 2 5 = हाँ, तो यहाँ पे एक डेसिमल लग रहा है, 57.5 एक डेसिमल लग रहा है, बाहर में पावर 40 है। अभी यहाँ पे ए भाई का है ज़ीरो एक्स्ट्रा हो रहा, 5,000 1 + अब देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3 प्लेस आगे जाना चाहिए, 1 2 तो है ही, एक और प्लेस हमको बनाना पड़ेगा, यानी 0.0575 टू द पावर 40। अब बस यही था जो तुमको वैल्यू दिया हुआ है, 1 और + करोगे तो 1.0575 पे पावर 40, और इसी की वैल्यू तुमको ऑलरेडी गिवन है कि इस पे पावर 40 की वैल्यू है तुम्हारी 9.35869। अब बस इसको 5 से तुमको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आएगा 46793.45। ठीक है, हिंट में भी दिया हुआ है, बस यही कैलकुलेशन मेन था, बाकी पावर दिए जैसे ही आ जाएगा, ये चीज़ गिवन थी, बस वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में एक डिस्ट्रिक्ट कंटेन करता है 64,000 इनहेबिटेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है 2 whole 1/2%, 2.5% के रेंट से, तो फाइंड करना है द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे हम ईयरली ही लगाने वाले हैं, हाफ ईयरली जैसी कोई बात तो इन्होंने कभी की नहीं है, है ना, और रेट परसेंट भी पता ही है, 2 2 = 4 1 5/2। तो यहाँ पे देखते चलें क्वेश्चन, प्रिंसिपल यानी कि लोग कितने हैं 64,000, रेट परसेंट कितना है 2 whole 1/2% पर एनम यानी कि 5/2,
2% पर एनम। टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर, एन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन लिखेंगे अभी, तो फिर 64,000। 1 प्लस आर का मतलब 5/2 और नीचे 100 तो होना ही है, पावर में 3। अब इसके बाद 64,000 1 प्लस 5/200 का क्यूब इज इक्वल टू 64,000। 200 बन जाए 200 प्लस 5/200 का क्यूब। ओके, आगे कितना आ रहा है फिर 64,000 205/200 का क्यूब। कट कर देते हैं अंदर हो रहा है तो 541 जा, अब 540 जा, यानी 64,000 इंटू 41 3 टाइम्स अपॉन में 43 टाइम्स। अब देखो 1 2 3 0s, 1 2 3 0s, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 64, 3 0s 3 0s, कट हो गया, 41 का क्यूब आंसर हो जाएगा 68921। ये हो गया आपका आंसर, यानी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 68921। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में है द नगर पालिका ऑफ अ सर्टेन सिटी स्टार्टेड कैंपेन टू किल स्ट्रे डॉग्स, मारने का शुरुआत किया, विच नंबर्ड 1250 इन द सिटी। एज अ पॉपुलेशन, एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग स्टार्टेड डिक्रीजिंग। अब देखो पैसा बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है इस रेट परसेंट से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग इन द सिटी आफ्टर 3 मंथ। तो देखो रेट परसेंट भी पर मंथ के हिसाब से दिया हुआ है, 3 मंथ का दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स कितना है, 1250 था, रेट परसेंट कितना था, 20% पर मंथ था, टाइम इज इक्वल टू 3 मंथ है, यानी कि एन इज इक्वल टू 3 है। तो अब जो अमाउंट है वो क्या होगा, पी 1 प्लस की जगह 1 माइनस आर बाई 100 होगा, क्यों, क्योंकि अब डिक्रीज कर रहा है 20% के हिसाब से। अब पावर कितना लगेगा, अभी लगाया कहाँ है, तो 1250, ठीक, 1 माइनस आर बाई 100 यानी 20/100 और पावर कितना है 3 है, कितना आया 1250, 100 वन जा 100, हाँ ठीक है, 100 माइनस 20/100 का पावर 3, यानी कि 1250 80/100 का क्यूब, 24 जा 25 जा, ठीक है, कितना आया 1250 इंटू 4/5 का क्यूब, तो 1250 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 5 5 जा 25 5 जा 125 कट जाएगा, और ये 64,640 कितने बचे, 640 स्ट्रे डॉग्स अभी बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 8,000 ब्लड डोनर वेयर रजिस्टर्ड विथ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, 8,000 ब्लड डोनर्स को रजिस्टर किया गया था एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के में, सम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड मोबिलाइजिंग पीपल फॉर दिस नोबल कॉज, यानी बच्चों ने जो है शुरुआत कर दी कि भाई लोगों को जुटाओ इसके लिए, एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ डोनर रजिस्टर्ड इंक्रीज किए 20% पर हाफ ईयर के हिसाब से, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यू रजिस्ट्रेंट ड्यूरिंग 1.5 ईयर, यानी 1.5 ईयर में टोटल कितने नए रजिस्ट्रेशन हुए वो आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो 20% पर हाफ ईयर रेट का जो है क्लियरली डिफाइन कर दिया है, कितना परसेंट हर बार हाफ ईयर पे लगाना है, 8,000 है ना, सब कुछ याद रख के चलें।
तो प्रिंसिपल सबसे पहले कितने थे सारे ब्लड डोनर? 8,000 थे, ठीक है। उसके बाद रेट परसेंट कितना हुआ? 20% पर हाफ ईयर। टाइम कितना दिया है? 1 होल 1/2 ईयर, यानी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कितनी बार फॉल करेगा, कितनी बार इंक्रीजमेंट हुआ? 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार हाफ ईयर पे इंक्रीज हुआ। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? पी 1 + R/100 to the power n, यानी कि 8,000 1 + 20/100 to the power 3, 8,000 100 + 20/100 to power 3, तो 8,000 120/100 का क्यूब। कैलकुलेट करेंगे 8,000, कैलकुलेट करने से पहले 0 से 0 कट कर दें, 8,000 इंटू 12/10 का क्यूब, अभी भी कट रहा है लेकिन ठीक है, अभी बाद में काटते हैं, 8,000 इंटू 12 3 टाइम्स। अब 12 का क्यूब 70, 28 होता है, मालूम होना चाहिए 1,000, ठीक है, तो 1,000 से 1,000 कट गया, 1728 में बस 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कितना आएगा? 13824 आएगा, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। यानी अच्छा, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये तो अमाउंट हुआ ना 8,000 वाले पहले और अभी पूरे मिला के ये अमाउंट है, तो न्यू रजिस्ट्रेंट कितने नए आए? दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट 13,824 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 5,824। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।